तो आज हम लोग आ गए हैं बजाज के शोरूम। इंडिया में बिकने वाली सारे बजाज बाइक्स के बारे में आज हम अच्छे से बात करेंगे, जानेंगे कि उन बाइक के क्या फीचर्स हैं, उन बाइक की क्या प्राइसिंग है, उन बाइक को लेने के लिए कितने डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और उनकी मंथली ईएमआईज कितनी होने वाली है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सैम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को हमारा क्या पिस्टन सलाम बॉस। तो चलिए अब जल्दी से चल के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं और आज के वीडियो में हमें हेल्प करने वाले हैं मिस्टर सनी। सनी भाई कैसे हो आप? एकदम बढ़िया हो आप? तो सनी अभी आपके पास आप खड़े हो डोमिनोर के पास, डोमिनोर 400 के पास, तो हम इसी बाइक से साथ शुरू करते हैं। ये बजाज डोमिनोर जो बाइक है ये एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल है 400 सीसी की, जो कि एक वेरिएंट और दो कलर्स में आती है। एक इसका ग्रीन कलर होता है और एक इसका ब्लैक कलर होता है। इस बाइक के अंदर आपको मिलता है 373 सीसी का लिक्विड कूल फ्यूल इंजेक्टेड VS6 इंजन, जो कि प्रोवाइड करता है 40 ब्रेक हॉर्स पावर और अराउंड 35 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 6 स्पीड का गियर बॉक्स और इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो अराउंड 150 प्लस जाती है। स्प्लिट डिस्प्ले मिल जाता है इसमें आपको, एक आपको टैंक के ऊपर डिस्प्ले मिलता है इसमें, एक आपको ये नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है। तो बेसिकली जितनी भी बाइक की चीजें हैं वो आपको आपकी डिजिटल मीटर में दिख जाएगी। वो टैंक के ऊपर आपको दिया गया है जिसमें आपको गियर इंडिकेटर दिखेगा, टाइम वगैरह दिखेगा और कितनी स्पीड है इसमें या फिर कितनी रेंज बाकी रह गई, ये सब आपको यहाँ पे दिखेगा। बाकी उसके अलावा बाइक के जितने भी फंक्शंस है वो सारे के सारे आपको इसके हेडलाइट वाले, जो इसका ऊपर वाला डिजिटल मीटर कंसोल है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल, वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में इस बाइक में आपको मिल जाता है डबल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है और इसमें आपको 3 स्पार्क प्लग मिलते हैं, है ना? क्या मिलता है? 3 स्पार्क प्लग मिलते हैं। उसके बाद में अलॉय व्हील्स आपको मिल जाते हैं, डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाता है विद स्विचेबल डुअल ABS सिस्टम, ठीक है? तो कुल मिलाकर के काफी ज्यादा पावर पैक्ड और काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है ये, जिसको आप लंबे टूर पर भी लेकर के जा सकते हो। अब फाइनली अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये डोमिनोर 400 आपको मिलती है 2,49,000 रुपीज की, जो कि आपका इसका ऑन रोड प्राइस है। और ये बाइक आपकी खड़ी है यहाँ पे दीवान बजाज पे, जो कि है लाजपत नगर में। ये जितनी भी हम बाइक्स की बातें कर रहे हैं ये सारी बाइक्स आपको दीवान बजाज पे मिलेंगी, जो कि लाजपत नगर में इनका शोरूम है। गूगल पे डालो, यहाँ पे आराम से चले आओ और सारी बाइक की टेस्ट ड्राइव ले डालो। अब ये बाइक अगर आपको डाउन पेमेंट करके लोन फैसिलिटी के थ्रू लेनी है तो वो भी बहुत ही ज्यादा ईजी है। इस बाइक को लेने के लिए जिसका प्राइसिंग है 2.49 लाख रुपीज ऑन रोड, आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा करीब 60,000 रुपए का और उसके बाद में अगर आप 3 साल तक का लोन कराते हो तो अराउंड 6,800 रुपीज की, 68 यानी 6,800 रुपए की आपकी मंथली ईएमआईज आएंगी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फीजिबल ऑप्शन है और आपको 400 सीसी की बाइक मिल रही है इतने कम प्राइस में, तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। उसके बाद में अब हम इसके पीछे वाली बाइक के ऊपर चलते हैं जल्दी से। अब ये बाइक जो आप मेरे सामने देख रहे हो इस वक्त खड़ी हुई, ये आपको डोमिनोर 400 की तरह एग्जैक्टली हूबहू एकदम वैसे ही देखने में लगेगी, लेकिन उस बाइक और इस बाइक में काफी ज्यादा फर्क है इंजन डिस्प्लेसमेंट का। डोमिनोर 400 के जो टायर है वो थोड़े से बड़े हैं और डोमिनोर 250 के जो टायर हैं, जो कि आपके सामने खड़े हुए हैं, इसके टायर जो है वो थोड़े से छोटे हैं। बाकी उसके अलावा इसमें आपको जो यहाँ पे टैंक के ऊपर जो आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है उसके ऊपर आपको गियर इंडिकेटर्स और बाकी सारी चीजें शो नहीं होती है, रेंज भी शो नहीं होती है। बेसिकली आपके यही चेंजेस हैं कुल मिलाकर के डोमिनोर 400 और डोमिनोर 250 को अगर आप कंपेयर करें तो। लेकिन इसमें आपको जो इंजन है वो आपको काफी ज्यादा अलग मिल जाता है। इस बाइक में आपको मिलता है 249 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल BS6 इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 26.5 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 23.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इस बाइक में भी आपको 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिल जाता है। इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो है करीब 132 किलोमीटर पर आवर, जो कि कंपनी क्लेम करती है, बट राइडर्स का ऐसा मानना है कि इस बाइक को आप और भी ज्यादा पुश कर सकते हो। तो इस बाइक का जो प्राइस है वो है 1.99 लाख रुपीज, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है। इसकी डाउन पेमेंट 50 के आसपास आ जाएगी, करीब 50,000 रुपए के आसपास। ओके, EMI 6,000 रुपए के आसपास। 6,000 रुपए, तो 50,000 रुपए दे करके डोमिनोर 250, जो कि डोमिनोर 400 की तरह लगती है, आप घर लेके जा सकते हो और उसके बाद में करीब 5,000 से 6,000 रुपए के आसपास की जो है आपकी मंथली EMI जाएगी, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। और इसको सनी थोड़ा सा स्टार्ट करके भी तो सुना दो, आवाज कैसी है दोस्त? ओके, बढ़िया। तो
ये थी इसकी आवाज और ये मतलब एक काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। हम लोग बात करने वाले हैं द मोस्ट कंफर्टेबल पावरफुल स्पोर्ट्स टूरर की, बजाज पल्सर RS 200। इस बाइक के अंदर आपको वही सेम मिल जाता है 199cc का BS6 फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 24.8 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ अराउंड 18.9 का न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया पावर हो जाता है। और इस बाइक में आपको मिलता है 6-speed गियरबॉक्स का ऑप्शन। उसके अलावा इस बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, ठीक है, विद डुअल चैनल ABS। कंपनी बोलता है कि जो इसकी लाइट है वो 1.5 किलोमीटर से दूर तक से दिखाई देगी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर हो गया है ना, क्योंकि ऐसे लोग थोड़े से स्पोर्ट्स बाइक में कंप्लेन करते हैं कि उनकी लाइट की जो विजिबिलिटी होती है वो थोड़ा सा कम होती है। तो ये बाइक आपको मिल जाती है ऑन रोड 1,83,000 रुपए की, यानी 1.83 लाख रुपीस की ऑन रोड इस बाइक की प्राइसिंग हो जाती है। अब अगर हम इसे डाउन पेमेंट करके लेना हो सनी भाई, तो फिर 35-40 हज़ार रुपए आप डाउन पेमेंट कर दो तो आपकी किस्त भी भाई 7,000 रुपए के आसपास आएगी, है ना। 7,000 रुपए की आपकी मंथली EMI बन जाएगी। अगर आपको फुली फेयर्ड बाइक पसंद नहीं है तो हमारा अगला ऑप्शन कौन सा है दोस्त? NS 200। अगर हम इसके इंजन पावर की बात करें तो इस बाइक में भी आपको सेम 199cc का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन मिल जाता है, DTSI इंजन मिल जाता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 24 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ ही साथ 18.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बाइक है, इसमें लोग बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करा लेते हैं, इसमें रेस फिट किट लगवा लेते हैं, इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम जो है आपका, देखो इसमें आपको एग्जॉस्ट कहाँ दिख रहा है, इसका बहुत ही ज़्यादा सेक्सी अंडरबेली एग्जॉस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और इसकी आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ये स्टार्ट हुई, इसमें आपको बेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, मतलब समझ लो ऐसे थ्रॉटल पे ही आपको पता चल रहा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल रही है। अब इस बाइक को आप जो देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाली बाइक है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बाइक है। इस बाइक के अंदर आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि निकालता है अराउंड 35 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। तो ये बाइक जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाइक है और ये बाइक आपको मिल जाती है एट 1.59 लाख रुपीज़, जो कि इसका ऑफकोर्स ऑन रोड प्राइस है। और उसके बाद में अगर आप इसको डाउन पेमेंट करके लेना चाहते हो तो कितने डाउन पेमेंट होगी? 35,000 रुपये 40,000, करीब 35-40,000 रुपये, वही सेम आपकी इसकी डाउन पेमेंट हो जाएगी और वही आपकी 6-7 हज़ार रुपए के आसपास इसकी EMI आएगी। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन के ऊपर। ये जो आप बाइक देख रहे हो ये हमारे टाइम की, मतलब जब हम छोटे हुआ करते थे तब ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट बाइक हुआ करते थे, सनी भाई समझ रहे हो, लोग दीवाने थे इस बाइक के बारे में। अब इसके अंदर आपको मिल जाता है 220cc का DTSI इंजन, जो कि BS6 है और ये प्रोड्यूस करता है 21 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ साथ 19 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। लेकिन इस बाइक में आपको 6-speed गियरबॉक्स का ऑप्शन नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलता है 5-speed गियरबॉक्स का ऑप्शन। तो पुरानी वाली जो पल्सर थी और ये वाली पल्सर थी, इसमें डिफरेंस क्या है? लुक वाइज सेम है बिल्कुल। हाँ, लुक तो एकदम सेम है, शुरू से अब तक 220 का लुक चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि लुक की वजह से सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक 220 यही थी। एक टाइम पे सबसे ज्यादा गुड लुकिंग बाइक हुआ करती थी। पहले तो उसमें कार्बोरेटर था, ठीक है, इसमें कार्बोरेटर नहीं है, ये FI के साथ है, फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ है। इसमें आपको कार्बोरेटर साफ नहीं करना पड़ेगा, बार बार कार्बोरेटर में कचरा आ गया है, कुछ भी है। ये सब नहीं मिलना आपको। प्लस इसमें आपको चोक नहीं मिलेगी, जैसे पहले वाक्यों पहले आप चोक लगा सकते थे, अब आप स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, रेस को याद नहीं रखना। अच्छा, बस ये देखो कितना ईजी हो गया, आप ऐसे ही हल्का सा बटन दबाओ और ये बाइक स्टार्ट हो गई। काफी ज्यादा स्मूथ बाइक है, थोड़ा सा थ्रॉटल लेते हैं इसका और मतलब रिफाइंड लग रही है। इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो है करीब 1,52,000 रुपीज, जो कि इसकी ऑन रोड प्राइसिंग है। अब इसी को आप कैलकुलेट कर लो, वही सेम आपको 45,000 रुपए आपको डाउन पेमेंट देनी होगी और वही 5,000 के करीब आपकी जो है वो इसकी मंथली EMI आएंगी। सही कह रहा हूँ ना मैं सनी भाई? सही। अब इसके अलावा इसके सारे छोटे भाइयों से भी चल के मिलते हैं, जो कि एक हमारे सामने वहाँ पे खड़ा हुआ, चलो सनी भाई उधर चलते हैं। तो बजाज पल्सर सिबलिंग्स ना बहुत सारे वेरिएंट में आते हैं, 220 से लेकर के 220 आपकी फेयरिंग आती है, 220 आपकी नॉर्मल ऐसी भी आती थी, उसके बाद में आपकी 200 आती थी, उसके बाद में आपकी 180 आती थी, फिर 150 आती थी, अब 125 भी आ गई है
हर वेरिएंट आपको बजाज पल्सर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारे सामने खड़ी हुई है 180, ये 168 सीसी की होती है ना, 168 सीसी की होती है, और इसमें पावर भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, करीब 17 ब्रेक हॉर्स पावर आपको इस बाइक में मिल जाता है। तो पावर वाइज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया बाइक है और थोड़ी सी रिफाइंड होकर के भी आ गई है। अब अगर हम इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको पड़ती है ऑन रोड 1,36,000 रुपए की। अब अगर इसको आपको डाउन पेमेंट करके ईएमआई पे लेना है तो वही आपको करीब 30,000-35,000 रुपए तक आपकी इसकी डाउन पेमेंट जाएगी और करीब 4,000 रुपए के आसपास जो है आपकी ईएमआई आएगी, जो कि 3 साल के लिए होगी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है, रिफाइंड ओजी पल्सर 180 है, आप इसको आकर के यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके बाद में आपकी सेम पल्सर ऐसे ही होती है जो कि आपकी होती है 150 सीसी की। बजाज पल्सर 150 के अंदर आपको मिलता है 149 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 13.7 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ साथ 13.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और 150 में भी आपको मिलता है कितना, 5 स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको सेम, आपको जो ऐसे देख रहे हो, आपको डुअल डिस्क ब्रेक मिलेंगे विद सिंगल चैनल एबीएस। अब इसका जो प्राइसिंग है आपका बजाज पल्सर 150 का, वो कितना होता है, वो होता है 1,23,000 रुपए, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस है। और इसको अगर आपको डाउन पेमेंट करके लेनी है आप, तो कितना आएगा, 30,000 रुपए के आसपास, करीब 30,000 रुपए के अंदर ही होगा, 25,000-30,000 रुपए तक आप इसकी डाउन पेमेंट कर करके, और उसके बाद में 4,000 रुपए के अंदर जो है वो आपकी इसकी मंथली ईएमआई जाएगी, और वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ पर आकर के देख सकते हो, उसकी टेस्ट ड्राइव करा सकते हो, इनफैक्ट आप इसे ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। अब इसके बाद में हम इनको ऐसी बाइक दिखाते हैं जो कि 125 सीसी की है, लेकिन दिखती है एकदम पल्सर 180 की तरह। अब मैं आपको दिखाता हूँ बजाज पल्सर का एंट्री लेवल का सिबलिंग, यानी कि सबसे छोटा सिबलिंग, जो कि है बजाज पल्सर 125। इस बाइक के अंदर आपको मिल जाता है 124 सीसी का BS6 इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 11.7 ब्रेक हॉर्स पावर के साथ साथ 10.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, और इस बाइक में भी आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस बाइक में हमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। इस बाइक में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम मिलेगा। अगर हम नीचे की ब्रेक मारेंगे तो दोनों काम करेंगे आपके। ये फीचर आपको मिल जाता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम बजाज पल्सर 125 में, बिकॉज 125 सीसी की बाइक है, बहुत ज्यादा स्पीड इस बाइक में नहीं है, बहुत ज्यादा भागेगी नहीं, 125-130 तक काफी जाएगी, बिकॉज इस बाइक में एवरेज के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस किया जाता है। इस बाइक का जो एवरेज है कंपनी कितना क्लेम करती है, कंपनी बोलती है 55-60 तक, 55-60 तक बोलती है, लेकिन इस बात पर तो मैं ही कह सकता हूँ कि 55-60 तक ये बाइक एवरेज नहीं देगी। ये बाइक अराउंड एवरेज देती है करीब भाई 40-50 किलोमीटर पर लीटर का, देगी अराउंड 50 तक किलोमीटर, अगर वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप कैसे चलाते हो। अब इस बाइक की प्राइसिंग कितनी है, प्राइसिंग कितनी सनी भाई, 99,000 रुपए, तो शुभ प्राइसिंग है इसकी 1,00,000 रुपए के अंदर, यानी कि 99,000 रुपीज की ये बाइक आपको ऑन रोड पड़ जाती है। अब अगर इस बाइक का डाउन पेमेंट करना हो तो वही करीब 20,000 रुपए तक इस बाइक का डाउन पेमेंट होगा, और इसकी मंथली ईएमआई कितनी आएगी, 1,500-2,000 रुपए तक। अब जिन लोगों को भी क्रूजर बाइक पसंद है, उन लोगों को ये जो बाइक जो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ये काफी ज्यादा बढ़िया बाइक है अगर आपको एक्चुअली क्रूज करना हो। इसका जो लो सैडल, आप रियर जो ऐसे आप इसका हैंडल देख रहे हो, वो भी काफी ज्यादा बढ़िया लगता है, काफी ज्यादा बढ़िया कंफर्टेबल पोजीशन भी है इसकी, और इसका इंजन भी काफी ज्यादा मजबूत है। सनी भाई, इसमें आपको हमको क्या इंजन मिलता है बताओ, इसमें ट्विन स्पार्क प्लग इंजन मिल जाएगा 220 सीसी के साथ। ओके, इसकी बीएचपी आपको मिलेगी 18। इसमें हमें लिक्विड कूल मिलता है या ऑयल कूल, ऑयल कूल मिलेगा, ऑयल कूल मिलता है, और उसके बाद में इसमें हमें 5 स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके इस बाइक के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि ये नई बाइक है, ये नई एवेंजर 220 क्रूज है, इसमें नई डिस्प्ले मिल जाएगी आपको। ओके, जो कि पहले क्रूज में नहीं थी, नॉर्मल थी। इसमें डीआरएल मिल जाएगी, इसमें हमें एलईडी डीआरएल आगे मिल जाते हैं फ्रंट में, बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही बढ़िया से विंडशील्ड मिल जाती है इसमें हमें, ताकि अगर आगे कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर कोई भी दिक्कत आए तो हम क्रूज करते हुए हाईवे पे समझ लो हमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद में हमें इसमें वैसे ही सेम एग्जॉस्ट मिल जाता है ऑलमोस्ट। इस बाइक में आपको डुअल डिस्क ब्रेक नहीं मिलते हैं, इस बाइक में आपको सिंगल डिस्क ब्रेक मिलेगा। आगे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलेगा विद सिंगल चैनल एबीएस। अब इस बाइक में और क्या क्या मिलता है, इस बाइक में आपको मिल जाता है एक बहुत ही बढ़िया सा, यहाँ पे आपको 3D लोगो मिल जाता है, और इस बाइक में आपने नोटिस करा होगा कि काफी ज्यादा क्रोम मिल जा रहा है आपको बाइक में, ठीक है। तो ये बढ़िया वैसे ही आपको क्लासिक सा लुक दिए दे रही है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो कि यहाँ पे दीवान बजाज पे आपको मिल जाएगा 1,51,000 रुपए का, जो कि इसका ऑन रोड प्राइस है।
अब अगर हमें इसकी डाउन पेमेंट करनी होगी तो करीब वही आपको 45 से 50 हज़ार रुपये उसके पैसे देने पड़ेंगे, करीब 45-45 हज़ार रुपये आपको इसका डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और जो इसकी मंथली ईएमआई आएगी आपकी 3 साल के लिए वो करीब 5,000 के आसपास आएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आप क्रूजर बाइक में कोई 220 सीसी का ऑप्शन ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आपको इसमें थोड़ा सा इंजन कैपेसिटी कम चाहिए तो उसके लिए भी बजाज ने सारा आपका इंतजाम करके रखा हुआ है, क्योंकि उसके लिए आपके पास है एवेंजर 160। ये स्ट्रीट इसलिए बनाई है, सिटी के लिए ज्यादा बनाई गई है इसलिए इसमें ट्यूबलेस टायर एलॉय व्हील के साथ दे रखा है 160 सीसी की। तो इसमें हमें सिंगल डिस्क ब्रेक मिल जाता है, सिंगल चैनल एबीएस सर डिस्क ब्रेक मिल जाता है। उसके अलावा इसमें बाइक में हमें और कौन से फीचर मिल जाते हैं ये बताइए, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कुछ भी अगर हो तो। इसमें भी आपको DRL मिल जाएगी। ओके, इसमें भी हमें DRL का ऑप्शन मिल जाता है और आप हेडलाइट जला सकते हो जब आपको जरूरत हो। ओके, हेडलाइट भी जला सकते हैं। जैसे BS6 में BS4 में बोला है कि हमेशा हेडलाइट जलती रहे तो बाइक की बैटरी पे इफेक्ट पड़ता था, इसलिए इन्होंने कंपनी ने इसके अंदर दोनों ऑप्शन दे दिया। ये 160 सीसी की बाइक है, ये 220 सीसी की बाइक है। अब इस बाइक का जो है प्राइसिंग है वो कितना है मेरे दोस्त? है 123। तो 1,23,000 रुपए की ये बाइक है जो आपकी ऑन रोड प्राइसिंग है, ये आपको यहाँ पर आकर के मिल जाएगी। अगर आप कोई सिटी राइड देखना चाह रहे हो और थोड़ा सा समझ रहे हो थोड़ा सा ब्लैक और डल कलर आपको पसंद है और बहुत ज़्यादा समझ लो इंजन पावर भी अगर आपको नहीं चाहिए, देन यू कैन गो फॉर एवेंजर 160 जिसमें आपको अलॉय व्हील भी मिल जाते हैं विद सिंगल चैनल ABS। ये भी मतलब कुल मिलाकर के फील आपका दोनों का सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर क्रूजर चाहिए, प्रॉपर क्रूजर, तो फिर आप ये देखो एवेंजर जो आपकी 220 क्रूज है ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। बिकॉज इसका जो मेन हाईलाइट है वो इसका क्रोम है, इसका हैंडल बार है, इसकी विंडशील्ड है और इसका कलर भी है। ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दीवान बजाज पे अवेलेबल है। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन के ऊपर। ये हमारे सामने जो खड़ी है अब, यानी जो मेरे दोनों हाथों में है, ये बजाज की सबसे ज्यादा एवरेज देने वाली बाइक है। एक के लिए बजाज क्लेम करता है इस बाइक के लिए CT 100 के लिए कि ये एवरेज देती है 70 किलोमीटर पर लीटर का। और वहीं अगर आप प्लैटिना की बात करो तो बजाज कहता है कि ये बाइक आपको देगी 90 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज। ये सुनते ही इंसानों के कान खड़े हो जाने चाहिए। सबसे बहुत ही ज़्यादा सुकून वाली, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट कम्फर्टेबल बाइक है। और प्लैटिना में अब हम लोग को पता है क्या मिलता है? डिस्क ब्रेक का ऑप्शन विद ABS। मतलब सोचो, प्लैटिना तो इतनी भागती भी नहीं है, प्लैटिना के अंदर इतनी पावर भी नहीं है, फ्यूल एफिशिएंट बाइक है। तो ये तो हो गई हमारी प्लैटिना। इसकी प्राइसिंग कितनी है सनी भाई? ये है 68 के आसपास, 68 700 कुछ की है ये बाइक आपकी। तो आप करीब करीब मान लो इसकी 69,000 रुपीज़, 10,000 रुपए दे करके डाउन पेमेंट आप इस बाइक को लेकर के जा सकते हो बहुत इजीली। और उसके बाद में करीब 1500-1200 ऐसी आपकी मंथली ईएमआई आएगी। अब CT 100 के पैसे पूछते हैं कि CT 100 के पैसे कितने सनी भाई? ये 60 के आसपास है। 60 के आसपास है। ये प्लैटिना से आपकी सस्ती क्यों है सर? सिटी अलग भी अलग मॉडल हो गया, वो अलग मॉडल हो गया। ठीक है, अलग मॉडल वॉडल ऐसा हो गया, मैं बताता हूँ क्यों है। बिकॉज जो आपकी CT 100 है इसका एवरेज आपका प्लैटिना से कम है। ये थोड़ी सी कम फ्यूल एफिशिएंट बाइक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइक हो जाती है। वहीं आपके 7,000 रुपये बढ़ जाते हैं, जहाँ ये बाइक आपको मिलती है 60,000 रुपये के आसपास की, 61,000 रुपीज़ की, वहीं आपको ये वाली बाइक मिलती है अराउंड 69,000 रुपीज़। और दोनों ही बाइक आपकी यहाँ पे इजीली फाइनेंस हो जाएंगी। तो अगर आप कोई फ्यूल एफिशिएंट देर तक चलने वाली बाइक ले रहे हो जिसमें आप 1 किलोमीटर चलाओ और 1 किलोमीटर में 100 किलोमीटर चल लो अगर तमीज से चलाओ, तो मेरे हिसाब से बजाज की प्लैटिना और बजाज की CT 100 एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। अब आप लोगों से विदा लेने से पहले ज़रा सनी भाई को बाय बाय कर लें। सनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप कुछ कहना चाहते हो हमारे व्यूअर्स को? हमारी वीडियो आकर के देखना, सनी यहाँ पर आपको दीवान बजाज में मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, सनी को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया नॉलेज है बाइक्स के बारे में मैकेनिकल, तो आप उससे आकर के यहाँ पे इजीली पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच सनी भाई। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे हमने आपको बजाज पल्सर की बिकने वाली सारी बाइक्स के बारे में बढ़िया से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। फ्यूल एफिशिएंट बाइक से लेकर के क्रूजर से लेकर के स्पोर्ट्स क्रूजर से लेकर के सारे ऑप्शन हमने आपके सामने रख दिए, उनके फीचर्स बताए, उनके प्राइस बताए। और अगर आपको डाउन पेमेंट करके ईएमआई के ऊपर भी लेना है तब भी हमने वो सारी चीज़ें आपको बता दी। और अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में स्किप करके भी पर बाइक को अपने हिसाब से भी देख सकते हो ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। और अब मैं जाता हूँ आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर के आता हूँ, थोड़ी सी कार की वीडियो बनाते हैं जा करके। टिल देन व्हाट यू गाइस हैव टू डू इज दैट यू गाइस हैव टू कीप ड्रीमिंग एंड यू गाइस हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट। दिस इज सायम सिद्दीकी ऑन अ सनी डे साइनिंग ऑफ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।